टी20 विश्व कप 2022 में पाकिस्तान की टीम ने फाइनल में जगह बना ली है। पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया और तीसरी बार इस टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही पाकिस्तान टीम के कोच मैथ्यू हेगन का बदला भी पूरा हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी मैथ्यू हेगन पाकिस्तान की टीम के कोच हैं और उनकी अगुवाई में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड टीम को 7 विकेट से करारी मात देकर टी20 विश्व कप 2022 से बाहर कर दिया है। इसी न्यूजीलैंड टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर विश्व कप से बाहर करने में अहम योगदान दिया था। टी20 विश्व कप 2022 में सुपर 12 राउंड का पहला मैच मेजबान के स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच था। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड टीम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 200 रन बनाए थे। इसके साथ ऑस्ट्रेलिया को 111 रन पर समेट दिया था। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को 89 रन के बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपने 3 मैच जीते और इसका एक मैच बारिश की भेंट चढ़ गया। अंत में ऑस्ट्रेलिया ने भी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बराबर 7 अंक हासिल किए, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ 89 रन से मिली हार की वजह से ऑस्ट्रेलिया का रन रेट पीछे रह गया। इसी वजह से यह टीम सेमीफाइनल में जगह नहीं बना पाई। ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल में नहीं पहुंचने से सभी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी और फैंस बेहद निराश थे। 2021 में खिताब जीतने वाली टीम इस बार टूर्नामेंट की मेजबानी कर रही थी, ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के चैंपियन बनने की उम्मीद और भी ज्यादा थी। हालांकि यह टीम सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पाई। न्यूजीलैंड के अलावा इंग्लैंड, भारत और पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंची। अब पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। हेडन के मार्गदर्शन में पाकिस्तान की टीम ने न्यूजीलैंड को विश्व कप से बाहर कर दिया और उनकी टीम का बदला ले लिया। दूसरा सेमीफाइनल भारत और इंग्लैंड के बीच गुरुवार को। आपको क्या लगता है दूसरा सेमीफाइनल कौन जीतेगा? अगर भारत जीतता है तो क्या एक बार फिर पाकिस्तान और भारत आमने सामने होंगे? अगर ऐसा है तो आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक छोटा सा पुराना मामला याद आ रहा होगा, जब जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को हराया था, जहां पर जिम्बाब्वे के कोच इंडिया के थे और उन्होंने पाकिस्तान को हरवाया था। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।